अस्सलाम वालेकुम, आई एम नादिया नूर। आज का जो लेक्चर है ये अगेन फ्रॉम सेक्शन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से है और डिज़ीज़ का नाम है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिज़ीज़ है। इटियोलॉजी, कॉजेटिव एजेंट पोलियोमाइलाइटिस का वायरस है जिसका नाम पोलियो वायरस है। इस वायरस की फैमिली पिकोर्ना विरिडी है। ये एक नॉन एनवलप वायरस है, स्मॉल इन साइज है। जैसे कि हमने प्रीवियसली जब हेपेटाइटिस पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो पिकोर्ना विरिडी दे आर दी स्मॉल आरएनए कंटेनिंग वायरसेस, तो इसका साइज जो है वो 20-30 नैनोमीटर है। इसका जो जीनोम है इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और ये आरएनए पॉजिटिव सेंस है एंड इट कंप्राइज ऑफ 7,500 बेस पेयर्स। इसका मॉलिक्यूलर वेट 2.7 × 10⁶ डाल्टन्स है। जो कैप्सिड है इसकी सिमेट्री आइकोसा हेड्रल है और जो कैप्सिड है इट इज़ कंपोज ऑफ कैप्सोमर्स जो कि तकरीबन 32 कैप्सोमोर्स होते हैं और जो कैप्सिड प्रोटीन है वो उनको नंबरिंग की गई है, वायरल प्रोटीन 1, 2, 3, 4 और ये मिलके जो है वो कैप्सिड बनाते हैं। रेप्लिकेशन साइकिल, रेप्लिकेशन साइकिल देखें तो क्योंकि आरएनए कंटेनिंग वायरस है तो इस वायरस की जो रेप्लिकेशन होती है वो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में होती है आफ्टर बाइंडिंग, आफ्टर एंट्री, जो कि एक वीरो पैक्सिस के प्रोसेस के थ्रू होती है। और वीरो प्रोसेस में होता क्या है कि वायरस जो है वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच होता है ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल और इस एड्सॉर्प्शन के लिए उसको जो प्रोटीन हेल्प करता है इट इज़ VP4। उसके बाद जो ये वायरस है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके गिर्द जो है वो एक ट्रैप बना लेती है और एक वेसिकल बनाता है जिसको हम एंडोसोमल वेसिकल कहते हैं और वायरस इसके थ्रू जो है वो एंटर हो जाता है इनटू द होस्ट। ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन ये देखा गया है कि वायरस के जो कैप्सिड है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कुछ वायरसेस जो है वो VP4 प्रोटीन लूज कर देते हैं जिसके नतीजे में ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन ही जो आरएनए है वो रिमूव हो जाता है वायरस का, जिसकी वजह से जो वायरस है वो नॉन इन्फेक्शस हो जाता है और लेटर ऑन जो वो सेल है वो उससे एल्यूट यानी रिमूव हो जाता है। लेकिन और जो वायरसेस हैं वो जो है जब सक्सेसफुली पेनिट्रेट हो जाते हैं टू द एंडोसोम और वो साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो है इस वायरस की जो है वो रेप्लिकेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। कैप्सिड जो के अंदर जो है चेंजेस आते हैं और वो कम्प्लीटली रिमूव होता है और जो आरएनए है वो रिलीज हो जाता है। आरएनए क्योंकि पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड है तो वो एज एन एमआरएनए एक्ट करता है और वो डायरेक्टली कोड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन जिसमें वायरल आरएनए पॉलीमरेज भी शामिल है। जो वायरल आरएनए पॉलीमरेज है वो रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट्स बनाता है जो कि सर्व करते हैं द टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड और फिर लेटर ऑन उससे पॉजिटिव स्ट्रैंड भी बनते हैं इन दी साइकिल। ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है जिसके नतीजे में बहुत सारे पॉजिटिव स्ट्रैंड की कॉपीज बनती हैं और हर एक पॉजिटिव स्ट्रैंड जो है वो एज अ मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए एक्ट करता है यानी कि इट विल कोड फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन और ये जो लॉन्ग सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको पॉली प्रोटीन भी कहते हैं। आफ्टर सिंथेसिस या ट्रांसलेशन ये जो पॉली प्रोटीन है इसका पोस्ट ट्रांसलेशन क्लीवेज होता है, ये टूट जाती है इंटू 4 वायरल प्रोटीन जिनको हम VP1, VP2 और VP3 और VP4 कहते हैं। इस क्लीवेज के बाद इसके बाद जो है इनकी असेंबली शुरू हो जाती है और जो ये चारों प्रोटीन है ये प्रोकैप्सिड की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। इस प्रोकैप्सिड में जो पॉजिटिव स्ट्रैंड है वो इंसर्ट कर दिया जाता है जो कि एक्ट करता है एज वायरल जीनोम और जब ये एमआरएनए एंटर हो जाता है इनटू द प्रोकैप्सिड तो वहाँ पे जो कैप्सिड है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर वायरस जिसको वेरियन कहते हैं।
और ये देखा गया है कि तकरीबन एक इन्फेक्टेड सेल से तकरीबन 500 जो वायरसेस हैं वो बनते हैं, और ये जो हैं वायरस रिलीज हो जाते हैं थ्रू एक्सोसाइटोसिस फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल। और इस इन्फेक्टेड सेल में इतने सारा वायरस का वर्डन होता है कि कुछ वायरसेस जो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज होते हैं, और कुछ जो वायरसेस हैं वो उसकी वजह से प्रेशर इतना होता है कि जो होस्ट सेल है उसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है और जो वायरस है वो रिलीज हो जाता है। अगर ससेप्टेबिलिटी की बात करें इस वायरस की, तो ये काफ़ी सेंसिटिव वायरस है। ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स में इनएक्टिवेट हो जाता है। ये जो है कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, इट कैन सर्वाइव इन आइस क्रीम्स, और इट इज़ सेंसिटिव टू यूवी रेज, इट इज़ सेंसिटिव टू क्लोरीनेशन।